हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आज दिन भर का ब्लॉग में आप सभी लोगों को स्वागत है। मैं हूं जरूरी, आप सभी को स्वागत करता हूं आप लोगों का यूट्यूब चैनल डेसन आप ब्लॉग में। और मैं बहुत समय आगे उठ गया था और अभी ऐसे ही घूम रहा हूं पैदल पैदल। हमारा घर में कल आया था भांजा, ठीक है, और यहाँ पे ही कुछ बोलना चाहते हो क्या? कुछ बोलो, बोलो, कुछ बोलो। नहीं बोलेगा, क्या हंस रहे है, बदतमीजी दिखा रहे, बोलो कुछ बोलो। ये भी कुछ नहीं बोलेगा। मेरे पास वो सानी भी है, सानी सानी। चलिए, आप सभी लोगों को आज दिन भर में क्या कुछ करूँगा आप लोग को दिखाऊंगा, आप लोग देखते रहिए। इसको गेट को खोल देना से, ए सूर्या पहन लो, ये पहन लो, चलिए भी इसको दुकान लेके जाता हूँ। और कुछ सिर्फ जो भी कुछ हो खिला करके रखता हूँ। जिसका घर में छोटा छोटा बच्चा है वो सुबह उठ करके क्या कुछ करते हैं मुझे पता है यार। और हमारा घर में भांजा आया था ना, सुबह का समय में इतना हल्ला मचा रहा है यार। मामा मुझे दुकान जाना है, मुझे कुछ पैकेट खाना है, ऐसा वाला करके कितना सारा मुझे वो कर रहा है यार। सो हम भी जब छोटा था शायद ऐसा ही था, अभी बड़ा हो चुका हूँ और ऐसा कुछ नहीं है। अभी उसको मैं ये सिर्फ ले करके दिया हूँ दुकान में जा करके, मैं वो खाऊँगा वो खाऊंगा ऐसा कुछ बोला था यार दुकानदार को। दुकानदार ने इसको देख करके यार समझा ये बहुत खाता है ऐसा बोला, समझ गया होगा। अभी इसको मैं बूट में बस उठा करके लेके आया हूँ। लगभग 13-14 केजी, मतलब 13-14 केजी इसका वजन हो जाएगा यार। और हाथ मेरा डॉट होते जा रहा है, इतना भारी है क्या बताऊँ। चलो इसको यहाँ पे रखता हूँ और मुझे कौन है बुरा वाला बाथरूम वो को लेता हूँ। चलिए, सुबह का खाना जैसे का और पिगलेट को दे चुका हूँ और वो दोनों नहीं तीनों ने पूरा शौक से खा रहा है, ठीक है। और 8 बजे की पहले मैंने दे चुका हूँ, 2 मिनट आगे ही, ठीक है। और अभी टाइम है 7:58, ठीक है। और अभी चलिए हाथ पैर अच्छे से धो लेता हूँ। और मुझे अभी करना है कल का वीडियो एडिटिंग, सो मैंने एडिटिंग नहीं किया हूँ, एडिटिंग करना है। और आज मुझे काम करने के लिए मन नहीं हो रहा था यार। कल का वीडियो एडिटिंग करके उसको एक्सपोर्ट कर चुका हूँ और अभी खाने वाला हूँ सुबह का खाना। अभी टाइम हुआ है 9:36 AM। चलिए, और अभी खाऊंगा सुबह का खाना। खिड़की बंद कर देता हूँ यार, कैमरा का क्वालिटी अच्छा नहीं आता है खिड़की से। सो अभी किचन घर में हूँ ना, यहाँ पे है भांजाना खा रहा है, ठीक है। और मैं भी अभी खाऊंगा, बहुत भूख लगा हुआ है। सो खाना बना खा करके मैं अभी जाने वाला हूँ, वीडियो को अपलोड करके आएंगे। कुछ मुझे इस दुकान पे उधार था वो देने के लिए हूँ, और कुछ मुझे पैसा डिपॉजिट करना है और वो डिपॉजिट करने के लिए आया हूँ। और यहाँ पे सभी कुछ हो जाता है, पैसों डिपॉजिट विड्रॉल और आपको खाद चाहिए जो भी कुछ जेरोक्स हो सभी कुछ ऐसा हो जाता है। और मैं कुछ इंसेक्टिसाइड एक दवाई लेके जाऊँगा, थोड़ा कम पड़ गया है। चलिए पहले कुछ रिचार्ज कर लेता हूँ और पैसा डिपॉजिट कर लेता हूँ और मेरा उधार देता हूँ। और मैं अभी आया हूँ वीडियो अपलोड करने के लिए। और यहाँ से मैं चला जाऊँगा खेत के पास जाऊँगा, वहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा आप लोगों के लिए। सो आप लोग वीडियो में बने रहिए। कल का वीडियो अपलोड हो चुका है और आप लोग देख लेना और देख करके बताना वीडियो कैसा लगा, वही बोलूँगा। और दूसरा कुछ मुझे मुँह से बात आता ही नहीं है। वीडियो अपलोड करके आ चुका हूँ घर, अभी जितना कुछ मैं कपड़ा पहन के रखा हूँ ना, अभी सभी कुछ मुझे खुलना है, दूसरा कुछ कॉस्ट नहीं पहना है। अभी मुझे जाना है गार्डन में। अभी मेरा हाथ में देखिए आखिरी केट ये शाही के लिए है, ठीक है। और कुछ ऐसा शाही का लाइन में और मुझे शाही का स्प्रे करना है। सो कल मैंने गार्डन में स्प्रे किया था वो मतलब ख़त्म हो गया है और कुछ पेड़ में मैं दे ही नहीं पाया। अभी मैं आर्किकेट मारूंगा और मच्छर की मारूंगा, ठीक है, और रूपाल लुपार की मार दूंगा।
एक ही मतलब 19 लीटर होने से हो जाएगा। ठीक है, सो अभी चलिए यार, मोबाइल को चार्ज कर नहीं पाऊंगा क्योंकि लाइट नहीं यार। अभी मेरा मोबाइल पे ओनली चार्ज है 29% ओनली। सो यार वीडियो बना पाऊंगा या नहीं पाऊंगा पता नहीं, क्या करूँ यार, मेरा दिल मानता नहीं है। और मैं अभी आ रहा हूँ एक अंकुल का घर में, उसका घर का करेंट का कुछ प्रॉब्लम है, वो करेंट नहीं आ रहा है और 5-6 दिन ऐसा हो गया था और मुझे बोला था उसको ठीक कर दो, मुझे समय नहीं मिल रहा था और अभी भी समय नहीं है। अभी मुझे गार्डन में स्प्रे करना था, चलो गार्डन में स्प्रे तो बाद में करेंगे, अभी दोपहर है ना, इसको घर में जा कर के जो करेंट का कहाँ मतलब जो ख़राब हुआ है ना इसको ठीक करके आएंगे। मैं आया था अंकुल का घर में और वायर मतलब करेंट का कुछ काम करने के लिए। सो यार अंकुल घर में नहीं है और घर में ओनली दादी है, और दादी मतलब मैं मुझे जो कुछ सामान चाहिए ना दादी ने मुझे जुगाड़ कर नहीं दे पाएगा। और मैंने बहुत कुछ ऐसा देखा है, जितना कुछ यहाँ पे वायर का कनेक्शन है ना उसको पूरा सही सही करना पड़ेगा, इधर से इधर हुआ है। सो अच्छी तरीके से हम बोर्ड को एक जगह में बैठाएंगे और पूरा का कनेक्शन एक ही जगह से देंगे। ठीक है, और मैंने यहाँ पे ये वाला काम कर लिया। ठीक है, ये पूरा मेन स्विच यहाँ पे मैंने बैठा दिया, मेन का कनेक्शन यहाँ पे ही होगा। थोड़ा सा मैंने पास दे दिया हूँ और ऊपर नहीं दिया हूँ, ऊपर देने से यह थोड़ा सा तकलीफ होता है। ठीक है, और अभी घर जाने वाला हूँ और अंकुल आएगा तो आज तो नहीं होगा, नहीं आ पाऊँगा, और अंकुल आएगा तो मैं देखूँगा फिर से यहाँ पे आऊँगा। और अंकुल का घर में जितना कुछ करेंट का कनेक्शन है ना सभी कुछ मैं सही सही कर दूँगा। अंकुल का घर से मैं चलाया और घर की तरफ आ रहा था, गार्डन में मैंने देखा तालाब के पास यार फ्रेश फ्रेश बकरी का वो बड़ा वाला बाथरूम। सो मैंने देख कर के पूरा गार्डन छान मारा और यहाँ पे एक टाटी गिरा हुआ है यार, शायद किसी आदमी का काम होगा नहीं तो किसी बकरी का काम होगा, यहाँ पे छलांग मारा था होगा शायद। अभी देखिए पूरा बकरी वो कर दिया, टाटी को पूरा यहाँ पे लेटा दिए। मूसा का बेटा ने अभी कॉल किया था और कॉल करके मुझे बोला है कि हमारा घर में खाना है तो आ जाइए, और उसका घर में हमारा मामी का मामी भी है और खाना है, और इसलिए मेरा मन वहाँ पे जाने के लिए वो पूरा राज़ी हो गया यार। और अभी मौसी का घर यही है, अभी चलिए अंदर जाता हूँ और क्या हाल चाल होता है देखता हूँ। वो पहले ही मुझे देखने के लिए मिला है छाई पत्ती और यहाँ पे पूरा डोम करके रखा है। ये देखिए मैं इस दादी के लिए लेके आया हूँ बिस्कुट, ये वाले चिप्स दादी के लिए, यहाँ पे है मौसी है, मौसी का पोती है, यहाँ पे मौसा है, मौसा का बेटी सभी कुछ है। और बाकी लोग यहाँ पे साई पत्ती तोड़ रहे हैं, लोगों ने यहाँ पे बहुत ही छोटा छोटा साई पत्ती तोड़ा है यार, चलिए बहुत ही टेस्ट हो गई यार, बहुत टेस्ट। अभी चलिए यहाँ पे बैठता हूँ, देखता हूँ क्या कुछ होता है। दोपहर का खाना खाने के लिए बैठ गया हूँ और चावल है, नींबू है, यहाँ पे ऐसा कुछ ही है। और मौसी का घर में अभी टाइम हुआ 3:39 PM, सो अभी घर जाने वाला हूँ और घर तो मैं जा ही रहा हूँ, और मुझे पीछे है मौसी का बेटी और उसको पहले घर में ड्रॉप करना पड़ेगा, उसको घर में ड्रॉप करके और मैं जाऊँगा अपना घर में। ठीक है, और अभी चलिए पहले मौसी का बेटी को ड्रॉप करता हूँ घर में, अभी मैं भी जाता हूँ घर में, चलिए अभी घर में मिलता हूँ। ओ ओ ओ चलो हाँ मैं घर ना जाऊँ रे, मैं रास्ता थम आको। मौसी का बेटी को घर के पास ड्रॉप करके अभी आ चुका हूँ घर, और अभी पूरा घर में हूँ और इतना धूप है यार, और मतलब फटाक से या पूरा आसमान बादल से भरा हो जाता है और बारिश भी गिरने लगता है और फटाक से वो पूरा मौसम सेंस हो जाता है ऐसा हो गया। अभी यार क्या करो पता नहीं यार, 20 मिनट के आगे और मौसम वो इतना साफ था यार, अभी यार 20 मिनट के बाद देखिए, अभी मैं बड़ा वाला बाथरूम करके आया हूँ ना, अभी मैं बड़ा वाला बाथरूम करके आ रहा हूँ इसलिए मौसम ख़राब नहीं हुआ है, आसमान ख़राब नहीं हुआ। मतलब मैं आप लोगों को कुछ समय बोला था ना, मतलब आधा घंटा के लिए मौसम पूरा साफ़ हो जाता है और आधा घंटा के बाद पूरा
मौसम ख़राब हो जाता है और बारिश भी गिरने लगते हैं, लेकिन बारिश गिरता नहीं यार। तो सोच रहा हूँ यार मुझे इस पर कौन अथा करूँ या ना करूँ, ये सोच रहा हूँ। अभी मैं पूरा रेडी हो चुका हूँ गार्डन में स्प्रे करने के लिए, ठीक है। और जितना कुछ बसा हुआ पेड़ था वहाँ पे अभी मैं स्प्रे करूँगा। क्या हो गया सनी? यार मैं दवाई माने के लिए जा रहा, जाने के लिए वो निकल गया। अभी ये लोगों ने शायद सोच रहे मैं घूमने के लिए जाऊँगा, उन लोगों के लिए मिठाई लेके आऊँगा, ये मुमकिन नहीं है। हाँ ठीक है, मैं लेके नहीं आऊँगा, मैं जाऊँगा गार्डन में, ठीक है। सो अभी यहाँ पे देखिए मैं स्प्रे को लेके आया और यहाँ पे दवाई है, ठीक है। ये लुपार के लिए, ये अपसाइडी, ये मच्छर, ये आकड़ी के, ठीक है, शाही के लिए मतलब। और कुछ पोटास यहाँ पे मिक्स करके दूंगा। अभी चलिए गार्डन जाता हूँ, आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा मैं यार, ऐसे करने से या वीडियो बनाने से वहाँ पे भी स्टैंड ले करके वीडियो बनाने से बहुत समय लग जाता है, इसलिए मैं वहाँ पे वीडियो नहीं बनाऊँगा। और एक स्प्रे यहाँ पे दवाई में ला करके लेके जाएंगे और जितना कुछ बसा हुआ होगा मैं जितना नींबू का पेड़ में सभी में स्प्रे कर देंगे। और शाम का खाना जैसी का और पिकलेट को दे चुका हूँ और अभी गार्डन में आया हूँ। और एक केला का पेड़ गिर गया था वहाँ पे, कुछ केला लगा हुआ है, उसको मैं काट करके अभी अभी लेके जाएंगे घर में। और पूरा मैं जुगाड़ के साथ आया हूँ, अभी बाइक लेकर के आया हूँ, ठीक है, गार्डन में। ओ चलिए गार्डन पहुँच गया हूँ, ठीक है। और गार्डन में मुझे गोगोई भी मिल गया है। गोगोई कुछ बताना चाहते हो क्या? बताओ, ये कुछ नहीं बताएगा, ठीक है। और यहाँ पे केला का बांस देखिए, ये पूरा पेड़ में पक गया यार, इसको अभी मैं काट करके लेके जाऊँगी। और एक बांस है सुगर केला, ठीक है, वो अभी थोड़ा सा अंदर में है, ठीक है। वो देखता हूँ, वो भी पूरा पेड़ में पक गया था यार, ये देखिए, ठीक है। एक कुछ खा लिया बकरी या गाय ने, एक दिन मैं बोला था ना हमारा यहाँ पे गाय घुस गया था और बकरी आ गया था, बकरी ने खा लिया। इसको मैं काट करके अभी अभी लेके जाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक केला का पेड़ टूट गया है यार, इसको काट देता हूँ पहले। किस तरह क्यों केला का पेड़ हो नहीं जाता है पता नहीं यार, कुछ बीमारी लग गया है यार। सुबह ये पूरा गिर गया ना, अब इसको काट करके यहाँ पे बिछा देता हूँ। दो बंस केला काट करके लेके आया था, एक बंस सुगर केला, एक बंस जाजी केला, और दोनों ही बंस का वो कुछ कुछ ऐसा केला पक गया है। अभी घर में इसको अच्छी तरीके से रख दिया हूँ, ठीक है। अभी गर्मी लग गया है यार। हाँ मैं बाइक में ही गया था, लेकिन वो गार्डन में अंदर में पैदल पैदल जा रहा था ना, पूरा का पूरा गर्मी लग गया यार। सो अभी ऐसा ही नेट को खोलता हूँ और मेरा MB है और मैंने 25 रुपया वाला MB नेट पे भरवाए था, ठीक है। और अभी ऐसे ही देखता हूँ, कुछ अच्छा लगेगा, इंस्टाग्राम देखता हूँ, किसी का वीडियो देखता हूँ, कुछ सीखता हूँ उन लोगों से। सो अभी ऐसे ही घर के पास आ गया हूँ मीट लेने के लिए। और अभी घर में बहन है और भांजा है उसके लिए, और शायद कल या परसों वो चला जाएगा, और इसलिए मैं मीट लेने के लिए आया हूँ। और 90 रुपये मैंने मीट ले लिया, इसको काटिंग करके यहाँ से लेके जाएंगे। सो देखिए काटिंग करा किस तरीके से। और बहुत सारा ऐसा मीट कटा हुआ है ना, रात का खाना खा लेता हूँ। और रात का खाना में है चावल है, सूअर का मीट है और दाल है, बहुत सारा कुछ है। रात का खाना बना खा करके अभी आ गया हूँ रूम पर सोने वाला हूँ, आँखों में बहुत सारा नींद है। सो आज का ब्लॉग आप लोगों को कल मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। और अभी सोऊंगा, कल उठूंगा, कल एडिटिंग करूंगा, कल अपलोड करूंगा आज का वीडियो, ठीक है। चलो जो भी हो, सो मैं यही अभी आप लोगों को सामने एक बातें शेयर करना चाहता हूँ। सो आप जितना लोगों ने मेरा वीडियो देखते हैं ना, सो आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, मेरा वीडियो देख करके आप लोगों को कुछ ऐसा हंसना या रोमांटिक कॉमेडी ऐसा कुछ दिखने के लिए मिलेगा नहीं, ठीक है। आर्टिस्ट जो भी हो, गेमिंग शेमिंग ऐसा कुछ। और मैं यही बोलना चाहता हूँ, दिन भर में जो कुछ कर रहा हूँ घर में, हमारा घर में दादू दादी पापा मामी और हमारा घर में ज़मीन में जीव जंतु के साथ में जो भी कुछ दिन भर करता हूँ, जहाँ जाता हूँ, जिससे मिलता हूँ, क्या जो भी खाता हूँ, वही आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ।
और मैं आगे तक ऐसा कुछ आप लोग को नहीं दिखाऊंगा जो मेरा हाथ से बाहर है, सोच से बाहर है, और जो मैं आप लोग को दिखा सकता हूँ, कुछ समझा सकता हूँ वही दिखाऊंगा, ठीक है। और मैं मेरा जितना कुछ कैपेसिटी है, ठीक है। सो जो भी हो और मेरा ब्लॉग में आप लोग को वही देखने के लिए मिलेगा। मैं जो कुछ करता हूँ, जितना कुछ मुझे आता है, इतना ही कुछ ही, ठीक है। आज का ब्लॉग मैं समाप्त करता हूँ। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा बताना, और अच्छा लगा तो लाइक करना, बुरा लगा तो डिसलाइक मारना, और चैनल में आप लोग पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, पास वाला बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि जब मैं वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको वीडियो देखने के लिए मिलेगा सबसे पहले। चलो जो भी हो, कल मिलूंगा फिर एक न्यू वीडियो के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए भाई को इजाजत दीजिए, अभी सुनने वाला हूँ। गुड नाइट दोस्तों।